या कोई और परिवार का या रिश्तेदार सीएलसी जैसी सही जगह पे यदि पहुंचा देता तो शायद आज मैं ये सोचता हूं कि ये भाई भी दिलीप के साथ उसी कॉलेज के अंदर एमबीबीएस कर रहा होता। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आप फतेहपुर कस्बे से हैं, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आप एडवोकेट हैं और सबसे ऊपर एक अच्छे भाई हैं आप मेरे। आज सबसे पहले तो मैं दिलीप और दिलीप के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जीवन में दिलीप ने जो सपने देखे हैं ईश्वर इसके सारे सपने पूरे करे। ये मैं जो लाइव देख रहा था, इस लाइव में मेरे को सबसे जो एक पीड़ा वाली चीज नजर आई वो ये आई कि दिलीप के एक दोस्त हैं, मैं उनसे एक बार ये कहूंगा कि वो खड़े हों। दिलीप के दोस्त, दिलीप जितने भी टैलेंटेड, उस जैसे ही लड़के, उसी माहौल में रहने वाले, उसी परिवेश में पलने बढ़ने वाले, वो किसी कारण से रहे, वो कारण के लिए मैं ये मानता हूं कि समाज और हम सब लोग जिम्मेदार हैं। उस टाइम इस बच्चे को यदि गांव का कोई जागरूक आदमी, यदि संस्था का कोई संचालक या कोई और परिवार का या रिश्तेदार सीएलसी जैसी सही जगह पे यदि पहुंचा देता तो शायद आज मैं ये सोचता हूं कि ये भाई भी दिलीप के साथ उसी कॉलेज के अंदर एमबीबीएस कर रहा होता। तो मैं लाइव देखने वाले हर आदमी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी बच्चा हो, जब कभी भी किसी भी बच्चे को ये लगे कि अब ये बच्चा सही जगह पहुंचना चाहिए, तो हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बच्चे को सीएलसी जैसी सही जगह पे पहुंचाएं और वहां पे एक प्रॉपर रिक्वेस्ट के साथ उस संस्था प्रधान को सौंप के आए कि हमने आपको एक गुदड़ी का लाल लाया, इसको हीरा बनाना आपका काम है। दोस्तों, दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि कोई आदमी ये कहता है कि नहीं मेरा बच्चा कमजोर है, इसका बच्चा होशियार है, तो ये सब हमारी गलत फहमी है। मैं ये मानता हूं एक ड्राइवर भी इंटेलिजेंट होता है, एक खेजड़ी काटने वाला आदमी भी इंटेलिजेंट होता है और एक फसल में जो निनाड करता खरपतवार काटने वाला आदमी है वो भी इंटेलिजेंट होता है। यदि वो इंटेलिजेंट नहीं होता तो वो फसल को भी काट देता खरपतवार के साथ, यदि वो इंटेलिजेंट नहीं होता तो वो खेजड़ी के पेड़ से नीचे गिर जाता था, यदि वो ड्राइवर इंटेलिजेंट नहीं होता तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट कर सकता है। तो उसको सही टाइम पे जिस इंसान को सही गाइडेंस मिल गई, सही प्लेटफॉर्म मिल गया, वो इंसान आगे बढ़ जाता है। जैसे रेल का इंजन है, वो बहुत ताकतवर होता है लेकिन उसको पटरी से साइड में हटा दो आप और फिर कितना भी तेज चला लो वो एक इंच भी आगे नहीं चलेगा। तो उसको सबसे पहले पटरी चाहिए, फिर उसको एक अच्छा ड्राइवर चाहिए। तो मैं आज इस लाइव को देखने वाले हर व्यक्ति से एक ही चीज कहता हूं कि जब भी आपको कभी भी ये लगे कि कोई भी बच्चा टैलेंटेड है और उसको कहीं अच्छी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, अच्छे संस्था की जरूरत है और ऐसे श्रवण चौधरी जैसे बढ़िया ड्राइवर की जरूरत है जो उस इंजन को उस जगह पहुंचा दे जहां वो जाना चाहता है, तो हम सब एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक अच्छी संस्था में पहुंचाने का हमारा कर्तव्य बनता है। और हर आदमी को ये मान के चलना चाहिए कि मैं टैलेंटेड हूं, उसको प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से ये मान के चलो कि सीएलसी जैसी संस्था में चला गया तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, यदि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो कम से कम ये मान के चलना वो लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर जरूर बनेगा। मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करता हूँ, जय सीएलसी, जय गांव की और दिलीप के परिवार को फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ऐसे बच्चों के मैं फिर ये कहता हूं कि आप एक बार श्रवण चौधरी के वहां संस्था में जाइए और एक बार वहां माहौल देखें, उस माहौल को देखने के बाद में ये तय करें कि हमें करना क्या है। लेकिन आपको सही ड्राइवर के पास पहुंचना जरूरी है। गाड़ी आपकी 1 करोड़ की है लेकिन यदि आपका ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाना चाहता, नहीं आती उसको चलानी, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन एक ट्रैक्टर का ड्राइवर भी यदि वो सही ढंग से ट्रैक्टर चलाना जानता है तो उस गाड़ी से पहले पहुंच जाएगा। यही हमारे जीवन का नियम है कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, हमारा परिवार ठीक है, लेकिन हम सही जगह नहीं पहुंच सकते और सही गाइड करने वाले आदमी के पास नहीं पहुंच सकते। आज इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती कि एक इतनी बड़ी संस्था का मालिक जिसके पास 15,000 बच्चे पढ़ रहे हो, वो इस गर्मी के अंदर गांव ढाणियों में जाके जिन बच्चों के सिलेक्शन हो गए आज उनसे उनको फीस भी नहीं लेनी।
आज उनके कोचिंग में भी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी उन ढाणियों में वो पूरा दिन दे रहे हैं, उन बच्चों से मिल रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य उन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता और हम सबका भी इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि आज हम उन व्यक्तियों के साथ हैं। तो मैं आपसे एक ही कहूंगा, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, कम से कम एक बार उस कैंपस में विजिट करें, वहां के माहौल को देखें और बच्चे को अपने सही हाथों में सौंप के आ जाएं। फिर बच्चे के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा, बच्चा निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान बनेगा। जय सेल्सी। थैंक यू, थैंक यू मामराज जी।